किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं ICR सुकनकैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल में। और सामने की तरफ आप बड़ी शानदार वैरायटी यहां देख रहे हैं, नई वैरायटी लेटेस्ट रिलीज, इसका रिव्यू करेंगे। और यहां के प्रधान वैज्ञानिक जो है आगे डॉक्टर रविंदर जी श्री हो गए यहाँ पे, आज इनसे चर्चा करेंगे इस वैरायटी को लेकर। तो भाइयों सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया जी। एक बार मेरे जो दर्शक हैं कुछ नए भी जुड़े होंगे, जरा परिचय करा दे एक बढ़िया सा एक। हाँ जी, सब किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंदर कुमार, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में प्लांट ब्रीडर हूँ और यहाँ पे गन्ने पे रिसर्च करते हैं हम लोग। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये वैरायटी कौन सी है आपने जो अभी लेटेस्ट में जो रिलीज हुई है? ये सामने की तरफ मैं देख रहा हूँ, दो वैरायटी मेरे सामने आ रही है, एक इधर आ रही है, जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे को इनको करा दो। ये हमारी लेटेस्ट रिलीज वैरायटी है CO 17018, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जी 109 वैरायटी जो अलग अलग फसलों की रिलीज की थी उन्होंने 10 अगस्त को, तो उनमें से ये भी हमारी एक वैरायटी थी गन्ने की। तो ये प्रधानमंत्री जी के हाथों से रिलीज हुई है और ये सामान्य वैरायटी है और ये अभी मतलब अभी इसका बीज हम किसानों को देना शुरू करेंगे। जो थोड़ा वैरायटी दिखा डॉक्टर साहब एक बार। डॉक्टर साहब एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो 17018 भाइयों देखो बहुत बढ़िया वाली बढ़वार ले रही है, हरा घोड़ा बिल्कुल हरा छुआ, बिल्कुल कीट मुक्त खड़ी है जिसे बोलते हैं, पत्ता भी अच्छा खासा चौड़ा है और साइज डॉक्टर साहब इस बार साइज बहुत प्यारा बन गया। करनाल पहले से ही फेमस है, पहले से ही करनाल गन्ना संस्थान जो है ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का नाम है मोटी वैरायटी थोड़ा बनाने में, और वो चीज़ मैं देख भी रहा हूँ। बराबर की तरफ भी कोई वैरायटी खड़ी है, मैं इसका नाम तो मैं लूंगा नहीं, ना मैं कहूँगा डॉक्टर साहब नाम लो, पर ये वैरायटी आपकी जो खड़ी है डॉक्टर साहब सीनियर है। नहीं वो भी अच्छी वैरायटी है CO 0118। जी मोटी वैरायटी है जी, और मोटाई इस वैरायटी की भी अच्छी है। अच्छा। मतलब गन्ने में क्या है कि हाइट अच्छी हो, मोटाई अच्छी हो तो वजन देता है गन्ना। डॉक्टर साहब बुआई कब की थी ये बताओ मुझे थोड़ा सा। ये हमारे अक्टूबर के मतलब 10 अक्टूबर के आसपास हमने इसको बोया था पिछले साल जी, और थोड़ा ही बीज था तो ये इधर हमने लगभग 50-60 फूट इसके 17018 के बोए हैं। ये कौन सी विधि में? कितना स्पेस होगा करीब? ये लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट है और हम सारी बुआई लगभग इसी तरीके से कर रहे हैं, पिछले 50-60 साल से हमारी यही सिस्टम है, हम 3 फुट पे गन्ना बोते हैं जी। और हमारे पास अक्टूबर की बुआई थी डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी में है अनुसंधान में होती है, एक सीमित लागत होती है एक तरह से, मतलब हर चीज के लिए कुछ मानक तय हैं, उस मानक से आगे कभी नहीं जाते। फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, और एक सीमित संसाधन या मात्रा होने के बाद भी ये वैरायटी अपनी मौजूदगी बहुत बढ़िया दिखारी से बोल रहे डॉक्टर साहब। वैरायटी वाकई में डॉक्टर साहब थोड़ा सा सामने आ जाइए आप एक बार, बस मुझे दो तीन जानकारी छोटी छोटी सी और देखो। तो भाइयों हाइट देखो कितनी बढ़िया चल रही, ये सिंगल बड़ में है कि डबल बड़ में है? ये दो आंख के टुकड़े बो रखे, अभी तो ब्रीडर सीड ही होगा ना? हाँ जी जी। तो डॉक्टर साहब टीलेस तो बहुत बन के आए इसमें, ये देखो भाइयों मैं इधर भी दिखा दूँ, इस साइड में दिखाऊँ, चलो ये देखो टीलेस वगैरह बढ़िया बन रहे हैं, बढ़िया। और ये नहीं कि हल्का फुल्का भैया, मोटे वाले गन्ने बनने जिसे बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ भी टीलेस अच्छे बन रहे, ऊपर ही बढ़िया लग रहा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा उत्पादन की बात करूँ तो एक उत्पादन के मामले में, मतलब किसान की डिमांड थी कि उत्पादन में क्या हाथ लगेगा इस वैरायटी में, थोड़ा किसान उत्पादन की तरफ किसान का वो है ना थोड़ा सा, और कीट पतंगों का कैसा है इसमें थोड़ा सा? देखो उत्पादन में क्योंकि ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के डाटा है, उसके हिसाब से इसमें लगभग 930 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार थी, और किसान की बात करें या हमारे यहाँ की बात करें तो पैदावार इसमें अच्छी है, इसमें 450-450 बढ़िया खेती करने वाले 500 क्विंटल तक की भी पैदावार प्रति एकड़ ले सकते हैं, क्योंकि ये तो खेत में स्थिति दिख रही है साफ साफ। यार डॉक्टर साहब एक चीज़ कहूँ, जैसे कि अर्ली वगैरह बढ़ते जा रहे थे, अर्ली गन्ना चिन्नी पिन्नी कहीं कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कीट पतंगे का प्रकोप कहीं ज़्यादा था इस वैरायटी में, थोड़ा सा मुझे बताओ। ये जर्नल में है तो चिन्नी पड़ते में थोड़ा बहुत तो फर्क उसमें होगा क्योंकि जर्नल की तरफ है ये, बाकी कीट पतंगे किस तरह की मतलब डिसीज वगैरह इसमें आ सकती है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगी? मेरे को कुछ नहीं दिखा अब तक इसमें आगे, तो मैं आपसे सच्चाई जानना चाहूँगा। कीट पतंगे क्या है, किसान के खेत में बहुत सारी सालों से खेती करता आ रहा है और वहाँ पे
टॉप बोरर जैसे एक मेजर जो कीट आया है उसकी संख्या बढ़ गई है। हमारे खेतों में इतनी ज़्यादा समस्या कीट पतंग की है नहीं, और सही बताऊँ तो अब तक हमने इसमें कोराजन भी नहीं लगाया इस खेत में, और ना ही हमने कोई इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरली ही कीड़े कम हैं। तो अब कीट पतंगे तो वैरायटी स्पेसिफिक होते भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वैरायटी में आते तो दूसरे में भी नहीं आएंगे, तो वो आ सकते हैं। तो वो तो किसान के खेत में जाने के बाद पता लगेगा। और रही बात दूसरी, क्या पूछी थी कीट पतंगों की पूछी थी दूसरी एक, और रही बात इसकी बीमारियों की जी, तो ये वैरायटी जो रेड रोट है उस बीमारी से ये रेजिस्टेंट है। ये बात बताइए आपने मजबूती से बोल दें, सभी वैरायटी किसान जो भी नई वैरायटी आती है जी 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 इंस्टीट्यूट की किसी भी सेंटर की जी, वो टेस्ट होके आती है, वो रेड रोट से वो रेजिस्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई वैरायटियां जो बाहर से ले आते हैं जो हमारे जोन के लिए रिकमेंडेड नहीं है, हाँ जी, उसमें संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुई होती है। एक चीज और बताओ डॉक्टर साहब, मुझे मेन इंपोर्टेंट है, कुछ वैरायटी अपनी इधर भी लग रही है, चलो तो मैं थोड़ा सी जानकारी है चम्मा, वैरायटी नकली बहुत जल्दी मिल जाए किसान को, असली बाद में पहुंचे, नकली बाद, नकली पहले पहुंचा असली बाद में, तो थोड़ा सा इसकी पहचान वगैरह बता दो, क्योंकि अभी तो पता है मुझे अनुसंधान के पास है, अनुसंधान से बीज मिलेगा तो ओरिजिनल होगा, थोड़ी सी पहचान इसकी बता दो मुझे। देखो 17018 वैरायटी है, थोड़ा सा कैरेक्टर और बता दो इसका, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाए किसान को, कोई भी वैरायटी हो, क्योंकि जुगाड़ है हमारे यहाँ देश में तो सबसे पहले जुगाड़ चले। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि बीज जो है वो या तो इंस्टीट्यूट से ले, बिल्कुल बिल्कुल, या अपनी चीनी मिल से ले, बिल्कुल बिल्कुल, इधर उधर से बीज लेंगे तो नकली भी देंगे लोग, तो बीज जो है एक ऑथेंटिक सोर्स से लेना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ तक इस वैरायटी की पहचान की बात है तो इसकी पोरिया जो है ये देखो भाइयों, मोटाई अच्छी होती है, बढ़िया लंबाई है, ये बोबिन शेप बोलते हैं, जो किनारे जो है वो मोटे है और बीच में से थोड़ी पतली होती है जी जी, तो ज्यादातर पोरिया इसकी बोबिन शेप से लेके और कहीं कहीं सिलेंड्रिकल शेप भी, मतलब नॉर्मल बेलनाकार से लेके और बोबिन शेप तक होती है जी 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 जी। और भाइयों मतलब यह है यहाँ से ये मोटी होगी दोनों तरफ से, बीच में हल्की भरी होगी। डॉक्टर साहब एक कैरेक्टर जैसे मेरे देखने में आया, ये पोरी एक तरफ को पेट से निकालो रखे हल्का सा, थोड़ा फर्क आया पोरी में, नहीं थोड़ा बहुत वो शेप में होता है, पूरी गोड़ाई नहीं, पूरी गोड़ाई नहीं लेती, हल्का सा थोड़ा सा झुकाव सर है इसमें, तो थोड़ा सा मतलब बोबिन से लेके ओबकोन आइडल, हल्की सी ओबकोन आइडल जी जी, लेकिन ज्यादातर बोबिन शेप है जी जी जी। और आंखें इसकी गोल है देखो भाइयों, और साथ में विंग्स के साथ है, ये देख रहे हो ना साथ में ये विंग्स है, बार की तरफ है, बिल्कुल तो विंग युक्त मतलब गोल आंखें। और पत्ते पे कोई विशेष पहचान दरअसल, ऊपर से देख रहा हूँ कुछ ज्यादा मोटाई पकड़ ली इसने, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नॉर्मल ही है, पर ये अब गन्ना काफी मोटा है, मैं जो देख रहा हूँ देखो भाइयों, ऐसा नहीं कि भरिएगा, गन्ना मोटा है काफी, मोटाई गन्ने में अच्छी है, ये देखो भाई पत्तियां इसकी मतलब ड्रूपी होती है, लटकमा होती है, हाँ देख पा रहा हूँ डॉक्टर साहब लटक रही है पत्तियां इसकी, ये होगी इसकी पहचान। तो भाई ये तो डॉक्टर साहब लगभग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करवाने की लगभग कोशिश करी, डॉक्टर साहब कोई और नई चीज बताना चाह रहे हो तो प्लीज बता सकते हैं आप। इस वैरायटी का जैसे बीज है हम अभी सितंबर के लास्ट से लेके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देंगे, और कुछ बीज हम फरवरी में देंगे, तो क्योंकि बीज हमारे पास बहुत कम है तो हम बहुत थोड़ा बीज किसानों को देने की कोशिश करेंगे, और किसान खुद ही मल्टीप्लिकेशन करे फिर नेक्स्ट ईयर लगा ले अपने यहाँ से कर सकते हैं, सही बात है, और नहीं तो अगले साल इंतजार कर ले, आजकल जो किसान है एक तरह से होड़ लगी हुई है कहीं से भी वैरायटी लाके बोने की, बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार कर ले, एक दो साल में बीज आपके पास पहुंच जाएगा, समय लगता है लेकिन आपकी जब तक अच्छी वैरायटियां चल रही है, चाहे हमारी 118 अच्छी चल रही हो या जिन क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 238 में समस्या नहीं आई है तो वो बोले, हमारे संस्थान की अगर अर्ली में बात करें तो 15023 वैरायटी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है ये बोले, या शाहजहानपुर की वैरायटी भी अच्छी है, लखनऊ की भी यही है, तो मतलब जितनी भी वैरायटी है अपने क्षेत्र की बोए, बाहर की वैरायटी ना बोए। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ वो कहना चाहूँगा, जर्नल के नाम पर अब तक कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ मजबूत प्रबल ऐसा कुछ देखने में आया हो, बाकी नाम भी करनाल का है, करनाल पहले से ही कहना क्षमतावान वैरायटी जितनी भी दी है कोई सी भली क्यों ना हो, और साइज भी इसका बढ़िया बनकर रहा है, तो वैरायटियल बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी, डॉक्टर साहब इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे, अर्ली और जर्नल तो कहीं ना कहीं अनुपात बनना चाहिए ना,
कीड़ा वगैरह भी कम आएगा? नहीं, किसान पहले जनरल वैरायटी लगाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मिलों को बहुत परेशानी होती थी अर्ली वैरायटियों को प्रमोट करने में, लेकिन जब से हमारे संस्थान की वंडर वैरायटी 238 आई, उसने किसानों का पैदावार तो बढ़ाई, चीनी मिलों को रिकवरी भी अच्छी प्रदान की। तो इसलिए जितनी भी वैरायटी जो जर्नल की आपके उत्तर प्रदेश में लगाई जाती थी, जैसे 8436 थी, 767 थी, 92423 थी, उन सबको CO0238 ने हटा दिया। तो मिलों को बहुत फायदा हुआ और किसानों को भी पैदावार भरपूर मिली। तो लेकिन अब जब 238 में धीरे धीरे समस्या आती जा रही है, वो वैरायटी अब अपना विगर भी उतना नहीं रख पा रही है, तो हमें कोई मजबूत वैरायटियां देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अर्ली वैरायटी जो अभी जो प्रचलन में है 3-4, तो उसमें 118, 15023, 13235, इनको थोड़ा बहुत किसान 118 को अच्छा लाइक किया है, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। लेकिन 238 का एकदम से स्थान ये वैरायटियां अभी नहीं ले पाएंगी, तो तब तक एक दो वैरायटी मिडलेट में भी होनी चाहिए, ताकि जब तक इन वैरायटियों का एरिया ना बढ़े या फिर कोई और अच्छी वैरायटी फ्यूचर में नहीं आए, तो थोड़ा बहुत एरिया 20-30% मिडलेट वैरायटी का भी रखना चाहिए। तो सभी संस्थान मिडलेट वैरायटी भी रिलीज कर रहे हैं। हम अपनी संस्थान की बात करें तो पिछले साल हमने 16030 वैरायटी रिलीज की थी और इस बार 17018। तो ये दोनों वैरायटी अपनी CO0238 वैरायटी से पैदावार में किसी भी तरह से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा, वो तो दिख भी रहा फील्ड में, बाकी भी मजबूत दमदार है कुछ। जनरल वैरायटी में पूरा दमखम है अर्ली के बराबर उत्पादन देने की, पैदावार अच्छी है, लेकिन ये मिडलेट है, फरवरी के बाद मार्च के बाद मैच्योर होगी और मिलों को भी नुकसान नहीं करेगी फरवरी के बाद, क्योंकि मिल मई तक चलती है, तो फरवरी के बाद मार्च के बाद इसको क्रश करने से चीनी परता भी ठीक रहेगी। तो कुछ क्षेत्र हमें मिडलेट वैरायटियों को देना पड़ेगा जब तक के अर्ली वैरायटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो ठीक डॉक्टर साहब, पूरी प्रॉपर जानकारी के लिए आपसे मिलगी, अपार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। कोई चीज रह गई हो तो कृपया कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार।